आज की जो वितक का सार है, तारतम प्रकट हुआ श्याम जी के मंदिर में, और तारतम प्रकट होने के बाद फिर लीला होने लगी तारतम संबंधी, और तारतम संबंधी चर्चा की शुरुआत हुई श्री राज मंदिर से। और सबसे पहले शिष्य बनने वाले, अपनी आत्मा को समर्पित करने वाले, सदगुरु की पहचान करने वाले थे श्री गांगजी भाई। पहले दिन इस्लाम में गांगजी धरे कदम, सेवा करी श्री देवचंद्र जी की कदमों सापी आत्मा। दोनों प्रकार से सेवा करने लगे, धन लुटाने लगे, अपने आप को धन धन करने लगे, क्योंकि वर्णन करते जिनको धनी कहते सोई धाम, सेवा सुरत संभारियो करना यही काम। धाम मेलो सदीव पण दुर्लभ मेलो संसार। फिर गांगजी भाई को चर्चा सुनाने लगे, सुंदर साध बढ़ने लगे, तो चाकला मंदिर में चर्चा मंडन आ गया, वहाँ अड़ी का लीला होने लगी। 10 सखी के साथ श्री कृष्ण जी प्रकट होकर के लीला करने लगे, और यहाँ इस लीला की बात वहाँ मेड़ी में पहुँचती है, अजबाई के माध्यम से मेघबाई के कान में आती है। और इसी दरमियान कहो त्या माता पिता भी धाम गमन होता है, और लीलबाई को भी एक दिन श्री कृष्ण जी ने कह दिया, लीलबाई तैयार है ना कल धाम जाने के लिए, तो लीलबाई को भी धाम लेकर के चले। फिर अजबाई हमेशा मेघबाई से कहती है, जो यहाँ राज मंदिर के अंदर से चाकला मंदिर में जो चर्चा मंडन आया था, जो लीला हो रही थी, इस लीला की वर्णन करती है, श्री राज जी की जो मेहर बरस रही है, इस मेहर की बात सुनाती है कि श्री कृष्ण जी 10 सखी के साथ प्रकट होकर के लीला कर रहे, आरोग रहे, वस्ता मांग मांग करके आरोग रहे हैं। लेकिन मेघबाई को इस बात पर विश्वास नहीं होता है, तो गोवर्धन भाई को भेज दिया था, और गोवर्धन भाई को भी विश्वास नहीं हुआ, तो फिर गोवर्धन भाई ने पद्मा को भेजा, और पद्मा ने देखा, उसके नसीब तो खुल गए, दर्शन किया पद्मा ने, सबसे पहले आने वाली मेड़ी से पद्मा, और फिर आए गोवर्धन भाई, और आकर के कहते हैं जगाओ मेरी आत्मा, मेरी आत्मा को जागृत कर दीजिए। अब गोवर्धन भाई के माध्यम से फिर यह बात धाम की, परम धाम की बात, सतगुरु की बात पहुंचेगी श्री इंद्रावती जी के कान में, जो देखेंगे हम कल। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। दिल्ली में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय महामति प्राणनाथ प्राकट्य चतुर्थ शताब्दी महोत्सव आगामी 18 से 23 सितंबर 2018 तक संपन्न होगा। उक्त महोत्सव में उपस्थित होकर तन मन धन से सेवा कर यश और पुण्य के भागी बने। स्थान अंतरराष्ट्रीय चतुर्थ शताब्दी महा महोत्सव विशाल एनक्लेव, नजदीक रजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली 110027।